वो संक्रांत का दिन था 2022 का। मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आया कि वो चली गई। तब मैं बहुत दुखी हुआ। हालांकि मैंने कॉलर वाली टाइग्रेस को आज तक कभी नहीं देखा था, पर उसके बारे में बहुत बातें सुनी थी। लोग ऐसा बोलते हैं कि कॉलर वाली टाइग्रेस ने ही पेंच टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को फेमस किया था, और उसी प्रकार से ताड़ोबा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट को फेमस करने में माया टाइग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। लास्ट ईयर मैंने माया को उसके बच्चे के साथ देखा था। कुछ महीनों के बाद ऐसी खबर आई कि माया मिसिंग है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने बहुत मेहनत की उसे ढूंढने के लिए, ट्रैप कैमराज लगाए, बहुत एफर्ट्स लिए, पर फिर भी अभी तक उसका कोई पता नहीं है। तो कोई भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, वहाँ के लोकल लोग हो, वो टाइगर जब मिसिंग होता है तो बहुत बेचैन हो जाते हैं। उसे किस टाइप का प्यार बोलते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि सपोज आप जिप्सी से किसी भी टाइगर के सामने उतरोगे तो वो इजीली आपको मार डाल सकती है, पर फिर भी हम उससे प्यार करते हैं। तो ये देख के मेरे मन में हमेशा सवाल आता है कि इंसान में किसी इंसान